हाय गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास। ये पांच स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं स्प्रिंग वुड के बारे में। ए ऑप्शन है, इट इज़ कॉल्ड एज अर्ली वुड। बिल्कुल सही बात है, स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी कहते हैं। बी देखते हैं, इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस ज्वेलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। गलत बात है, स्प्रिंग वुड में वाइडर वेसल्स होते हैं, नैरो वेसल्स नहीं होते हैं, क्योंकि स्प्रिंग वुड में वाटर का कंडक्शन काफ़ी अच्छे से होता है। और ज़्यादा वाटर कंडक्शन कराना हमें तो जो वेसल्स होंगे उनका जो ल्यूमिन होगा वो भी बड़ा होना चाहिए और वेसल्स भी वाइडर बड़े बड़े होने चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा गलत जाएगा। फिर है, स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर। बिल्कुल सही बात है, स्प्रिंग वुड का कलर हल्का होता है। डी ऑप्शन है, द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद ऑटम वुड शोज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग एनुअल रिंग। बिल्कुल सही बात है, एक स्प्रिंग सीजन और ऑटम वुड को मिला के एक एनुअल रिंग बन जाती है, जो कि कॉन्सेंट्रली एक ही सेंटर पर अरेंज होती हैं। लास्ट है, इट हैज़ लोअर डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, स्प्रिंग वुड की डेंसिटी कम होती है, यानी कि ए सी डी और ई ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच।